हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे राजस्थानी गट्टे की सब्जी। ये सब्जी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो आइए फ्रेंड्स, फटाफट इसको बना करके तैयार कर लेते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बोल ले लेंगे और उसके अंदर डाल देंगे बेसन। तो हम सबसे पहले इसके अंदर 1.5 कप बेसन डालेंगे। अगर आप कटोरी से लेते हैं तो 1.5 कटोरी बेसन ले लीजिए। नमक हम इसमें स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। मैंने इसमें 1 छोटा चम्मच नमक डाला है। 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। 1/4 छोटा चम्मच हल्दी और साथ में 1/2 छोटा चम्मच अजवाइन डालेंगे। तो अजवाइन को हम हाथों से क्रश करके डालेंगे। अजवाइन से टेस्ट तो अच्छा आता है, साथ में अजवाइन डाइजेशन में भी हेल्प करती है। और अब हम 1 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे। तो जीरा को भी मैंने क्रश करके डाला है। साथ में 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी डाल देंगे और 2 चम्मच इसमें घी डालेंगे। घी से हमारे गट्टे सॉफ्ट बनते हैं। साथ में इसमें 1 बड़ा चम्मच दही डालेंगे। दही और घी डालने से हमारे गट्टे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। तो सॉफ्ट गट्टों के लिए इन दोनों को डालना बहुत ज़रूरी है। फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें पानी डाल के इसको गूंद लेंगे। तो हमें बहुत कम पानी डालना है, क्योंकि ज़्यादा पानी डल जाएगा तो पूरा बेसन हाथों में ही चिपका रह जाएगा और ठीक से हम इसको लगा नहीं पाएंगे। तो मैंने बेसन को अच्छे से गूंद लिया है और अब हम थोड़ा सा इसके ऊपर घी या तेल डालेंगे और फिर अच्छे से मसल लेंगे। हमें तब तक मसलना है जब तक कि बेसन सॉफ्ट ना हो जाए। तो मैंने इसे अच्छे से मसल लिया है और अब हम इसके छोटे छोटे गोले बना के इसको हम सिलेंड्रिकल शेप देने वाले हैं। तो इस तरीके से हाथों से तोड़ लेंगे, फिर अच्छे से रोल करते हुए हमें इस तरीके से बनाना है। बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं रखेंगे, बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं रखेंगे हम इन्हें। तो मैंने एक आपको बना के दिखाया है, मैं दूसरा भी आपको बना के दिखाती हूँ। बहुत आसानी से बन जाते हैं। इसी तरीके से हम सभी को बना लेंगे। तो ये सभी बनकर तैयार हो गए हैं और अब हम इन्हें उबालेंगे। तो उबलने के लिए मैंने गैस पर पानी रख दिया था, इसी पानी के अंदर हम इनको उबालेंगे। तो मैंने 2 कप पानी लिया है। जब पानी उबल जाएगा तब हम इनको डाल देंगे। हमें एक साथ नहीं डालना है, एक एक करके डालेंगे। और अब हम इन्हें ढक करके 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर पका लेंगे। एक बार हम इन्हें खोल कर चेक कर लेते हैं कि नीचे की साइड चिपक तो नहीं रहे हैं। तो एक बार हम इसे चम्मच से किसी चीज़ से हिला लेंगे और अब मैं वापस से इसे ढक दूंगी। और 7 से 8 मिनट हो चुके हैं तो हम चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे गट्टे हैं फूल चुके हैं और ये बन गए हैं। आप देख सकते हैं ऊपर का टेक्सचर भी इसका चेंज हो गया है। तो अब हम गट्टों को पानी में से निकाल लेंगे। तो मैं एक एक करके इन गट्टों को निकाल ले रही हूँ। अभी ये बहुत सॉफ्ट हैं क्योंकि ये अभी गर्म है। मैंने सभी गट्टों को पानी में से निकाल लिया है और जो पानी बच गया है इसे हम फेंकेंगे नहीं, हम इसे बाद में यूज़ करने वाले हैं। और अब हम गट्टों को काट लेते हैं। तो जिस तरीके से सब्जी काटते हैं उसी तरीके से हम इसे काट लेंगे। तो मैं आपको काट कर दिखा रही हूँ कि हमें किस तरीके से काटना है। तो इसी तरीके से मैं सभी गट्टों को काट लूँगी। तो मैंने सभी गट्टे काट लिए हैं और अब हम 1 कप फ्रेश दही लेंगे। दही खट्टा नहीं होना चाहिए। और दही में अब हम मसाले डालेंगे। तो मैंने इसमें नमक स्वाद अनुसार डाला है, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला और 1 छोटा चम्मच इसके अंदर अमचूर डाल देंगे। अमचूर से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और साथ में 1 छोटा चम्मच इसमें मैं बेसन डाल रही हूँ। बेसन डालने से हमारा जो दही है वो फटेगा नहीं, इसलिए मैंने बेसन डाला है। और फिर अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो मैंने बेसन को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब मैंने 2 प्याज और 2 टमाटर लिए हैं। इनको हमें पीसना है तो हम इन्हें अलग अलग पीस लेंगे। तो मैंने प्याज पीस लिया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। और साथ में मैंने टमाटर भी पीस लिया है। और अब मैंने 5 से 6 लहसुन की कलियाँ ली है जिनको छोटा छोटा काट लिया है और 1 इंच अदरक को ग्रेट करके ले लिया है, 2 हरी मिर्च को काट कर लिया है, साथ में 2 बड़े चम्मच कटी हुई धनिया पत्ती ली है। तो हमने सभी सामान तैयार कर लिया है। ये बेसन का पानी है, इसको भी मैंने रख लिया है जिसमें हमने गट्टे उबाले थे। तो अब हम बनाना शुरू करेंगे। तो इसके लिए कढ़ाई ले लेंगे। कढ़ाई में हम 2 बड़े चम्मच घी डालेंगे।
घी की जगह तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच साबुत धनिया, आधा छोटा चम्मच अजवाइन, आधा छोटा चम्मच सौंफ, एक चौथाई छोटा चम्मच हींग, आधा छोटा चम्मच जीरा और एक छोटा चम्मच इसमें कसूरी मेथी डालेंगे। साथ में दो सूखी लाल मिर्च और एक तेजपत्ता डाल देंगे। राजस्थानी सब्जियों में मसाले अच्छे से डलते हैं, साथ में घी तेल का भी यूज़ अच्छे से होता है। और अब हम इसको एक बार के लिए फ्राई कर लेंगे, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। और अब हमने जो अदरक, हरी मिर्च, लहसुन काट के रखा था उसको डाल देंगे और फिर इसे भी एक से दो मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। तो ये फ्राई हो चुका है, तो अब हम इसमें प्याज डाल देंगे जो हमने पीस के रखा था। प्याज डालने के बाद प्याज को भी हमें अच्छे से फ्राई करना है। हम इसे तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि साइड से तेल ना निकलने लगे। तो आप देख सकते हैं कि प्याज अच्छे से फ्राई हो चुका है और इसमें से तेल भी निकलने लगा है। और अब हम इसके अंदर टमाटर डाल देंगे जो हमने पीस के रखे थे। टमाटर डालने के बाद टमाटरों को भी हमें अच्छे से पकाना है, तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसे ढककर लो फ्लेम पर तेल के निकलने तक हम पकाएंगे। तो इसको पकते हुए लगभग 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, तो हम चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से तेल निकल आया है और टमाटर बहुत अच्छे से पक गए हैं। तो जब टमाटर अच्छे से पक जाएंगे तब हम इसके अंदर डाल देंगे दही जो हमने फेंट के रखा है। तो पूरा दही डाल देंगे और इसके बाद हम इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे, नहीं तो दही फट सकता है, इसलिए अभी हमें इसे लगातार चलाना है। दही को भी हमें बहुत अच्छे से पकाना है, तब तक पकाएंगे जब तक कि इसमें से तेल ना निकलने लगे। तो अब आप देख सकते हैं कि साइड से तेल निकल रहा है, यानी कि दही हमारा अच्छे से पक गया है, सभी मसाले बहुत अच्छे से पक गए हैं। और अब हम डाल देंगे इसके अंदर गट्टे डाल के एक बार इसे चला देंगे। और अब हम इसमें पानी डालेंगे, तो हम इसमें वही वाला पानी डालेंगे जिसमें हमने गट्टे उबाले थे। तो हम सारा पानी डाल देंगे। अगर आपको लगता है कि पानी कम है तो आप नॉर्मल पानी भी इसके अंदर डाल सकते हैं। फिर अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे और फिर से हम इसे पकाएंगे। तो मैं इसे ढक के 4 से 5 मिनट के लिए पका लूँगी। 4 से 5 मिनट हो गए हैं और अब हम ढक्कन हटा के चेक कर लेते हैं। तो देखिए, हमारी गट्टे की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। अगर आपको लगता है इस समय कि बहुत गाढ़ी है सब्जी, तो आप थोड़ा पानी इसमें डाल सकते हैं। और अब मैं इसमें स्पेशल तड़का दूंगी, इससे इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा। तो इसके लिए मैंने पैन लिया है। पैन में हम 2 छोटे चम्मच घी डाल देंगे, आप तेल भी डाल सकते हैं। जब घी गर्म हो जाएगा तो गैस को बंद कर देंगे और इसमें आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे। और अब इस तड़के को हम डाल देंगे गट्टे की सब्जी के ऊपर और साथ में धनिया पत्ती डाल देंगे जो हमने काट के रखी है। तो फ्रेंड्स, हमारी गट्टे की सब्जी बनकर तैयार है। आप घर पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।